देखेंगे। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गौ माता जी का इस प्रकार दर्शन मिलता है, जैसे लग रहा हो कि मैया अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही हो। इस प्रकार से तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो आज स्नान के लिए बड़ा ही अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अभी माता जी में जो जल का स्तर है वह कम हो रहा है। तो इस प्रकार से यह दूरी लगभग लगभग 60 से 65 मीटर की रही होगी। माता जी को प्रणाम करके डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। वहां पर पहुंचकर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। इसके बाद ईश्वर रूपी ध्वज को पुष्प अर्पित करते हैं। ध्वजारोहण करके पुष्प अर्पित करके करते हैं शंखनाद। फिर हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर करते हैं वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारति प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम तनाव मुक्ति के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। इसके बाद लगाते हैं शून्य मुद्रा। अभय मुद्रा लगा के हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। प्राणायाम पूरा करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। इस प्रकार से तरह तरह से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़कर हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही कुछ लगाते हैं सपाट।
इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे अंदर किसी भी कार्य के करने का जुनून हो तो वह कार्य अवश्य ही पूरा होता है। बस उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होती है और निरंतर कर्म करने होते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन का अभ्यास करने से हमारे पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे होते हैं। जिसके पाचन तंत्र अच्छे होंगे उसके सभी तंत्र अच्छे होंगे। स्ट्रेचिंग पूरी करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करेंगे। तो इस प्रकार से साधारण सपाट की स्थिति में आते हैं और साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं और पुनः आ जाते हैं कुंभक सपाट की स्थिति में। एक गहरी सांस लेंगे और इस प्रकार से हाथ की स्थिति बनाएंगे और एक सांस में ही अधिक से अधिक सपाट लगाएंगे। इस प्रकार से कुंभक सपाट लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं अब आ जाते हैं स्कैपुला पुशअप की स्थिति में। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आते हैं और आराम से नीचे जाते हैं और आराम से ऊपर आते हैं। इस सपाट के अभ्यास से हमारी पूरी शरीर मजबूत हो जाती है। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और पुनः आ जाते हैं हिंदू सपाट की स्थिति में। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की बैलेंसिंग करेंगे और इसी में लगाएंगे सपाट, जिसे हम कहते हैं मेढक सपाट। इस प्रकार से शरीर की बैलेंसिंग करते हैं और इसी बैलेंसिंग के साथ व्यायाम का पहला चरण पूरा होता है। व्यायाम के तीसरे चरण की शुरुआत कमर के सपाट से करेंगे, जिसमें हाथ की स्थिति डायमंड शेप में होगी और शरीर को पूरा खींच लेंगे और इसमें लगाएंगे सपाट। इस सपाट से हमारी कमर बहुत मजबूत हो जाती है। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। पुनः डायमंड शेप बनाएंगे और इसी सपाट को एक हाथ से लगाएंगे। जब हम इस स्थिति में इस सपाट का अभ्यास करते हैं तो सारा भार हमारे कमर के ऊपर जाता है, जिससे हमारी कमर बहुत ही मजबूत हो जाती है। थोड़ा सा आराम करेंगे इस सपाट के लगाने के बाद और बंधुजन की निगरानी भी करते हैं और इसके बाद लगाएंगे कंधे के लिए सपाट। तो इस प्रकार से कंधे की सपाट की स्थिति में आते हैं, जिसमें डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में लगाते हैं हिंदू सपाट। यह सपाट लगा के पूरा करते हैं। तो हर सपाट के लगाने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं कंधे के दूसरे सपाट की स्थिति में। इस प्रकार से कंधे का जो दूसरा सपाट है लगा के पूरा करते हैं।
सपाट लगाने के बाद जो समय बचता है उसमें बंधुजन की निगरानी करते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं। कमर और कंधे का सपाट लगा के पूरा करते हैं और आगे बढ़कर लगाते हैं मुष्टिका सपाट। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट की स्थिति में आते हैं और मुष्टिका सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से मुष्टिका सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे और आगे बढ़कर लगाएंगे फिंगर पुशअप। तो इस प्रकार से फिंगर पुशअप की स्थिति में आते हैं और फिंगर पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले पांच उंगली पर लगाएंगे यह फिंगर पुशअप, फिर इसके बाद तीन उंगली पर लगाएंगे और फिर इसके बाद दो उंगली पर। तो इस प्रकार से व्यायाम का जो दूसरा चरण है यहाँ पूर्ण होता है। अब आ जाते हैं व्यायाम के तीसरे चरण में। तीसरे चरण में हम लगाएंगे क्लैपिंग पुशअप। इस प्रकार से क्लैपिंग पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद आ जाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप की स्थिति में। जो लोग डबल क्लैपिंग पुशअप लगा पाते हैं वो डबल क्लैपिंग पुशअप लगाएंगे, जो नहीं लगा पाते हैं वो सिंगल क्लैपिंग पुशअप का ही अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से डबल क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं। वह प्रयास बहुत ही अच्छा था। ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपका अवश्य ही लगेगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं फ्लाइंग पुशअप की स्थिति में। तो इस प्रकार से फ्लाइंग पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। तो फ्लाइंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं। इस फ्लाइंग पुशअप के साथ व्यायाम का तीसरा चरण पूर्ण होता है। व्यायाम के चौथे चरण में लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड की स्थिति में आते हैं और दंड लगाना आरंभ करते हैं। जैसा कि जो भी बैकग्राउंड आवाज़ होती है उस आवाज़ को इसलिए थोड़ा साइलेंट कर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ ध्वनि आती है जिस ध्वनि के कारण से समस्याएं होती हैं, तो इसलिए जो है उस ध्वनि को म्यूट कर देते हैं। तो जब हमारी पूरी शरीर थक जाती है उसके बाद अधिक से अधिक दंड लगाते हैं। जितने भी बंधुजन हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना अधिक से अधिक दंड लगा सकते हैं लगाने का प्रयास करते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज विजय जी जो हमारे पीछे हैं वो इसके पहले दंड लगाते थे 20 और 22, आज इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रयोग करके एक बार में 60 दंड लगाए हैं। तो इनके इस अद्भुत दृढ़ संकल्प को प्रणाम करते हैं और ऐसा ही इनका दृढ़ संकल्प बना रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसे ही दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हम अपने राष्ट्र को एक नई दिशा दे सकते हैं, उसके लिए एक नए कार्य कर सकते हैं, उसकी प्रभुता को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और उसकी प्रभुता को पुनः युवाओं में हम भर सकते हैं। Mm-hmm.
तो इस प्रकार से 100 से अधिक दंड लगा के पूरा करते हैं। 100 से अधिक दंड का मतलब है कि 110, 115, 120 इस प्रकार से दंड लगाते हैं। फिर इसके बाद पुनः आ जाते हैं श्री हनुमान जी दंड की स्थिति में। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाना आरंभ करते हैं और श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद आ जाते हैं देसी दंड बैठक की स्थिति में। तो देसी दंड बैठक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा शरीर को आराम देंगे और व्यायाम के अंत में हम लोग चलेंगे केकड़ा वाली चाल। इसी के साथ यहाँ का व्यायाम समाप्त होता है। आगे बढ़कर हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा और आपस में चर्चा। आपस की चर्चा में हम अपने मन के विचार रखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लेष संख्या 41 एवं 42। शंकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलश्च च पतन्ति पित्रो हौशाम लुप्त पिंडो दक्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दौशय रहते कुलघ्नाना वर शंकराकार के उस्तादंते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज के जो युवा हैं वो जैसे 12-13 साल की आयु को पार करते हैं तो उनकी जो जीवन है तनाव से युक्त होने लगता है। इसका जो विशेष कारण है कि वो जो है जैसे जैसे अपने आयु में आगे बढ़ते हैं तो जो एक नियम पालन होता है, पहले तो माता पिता के संरक्षण में होते हैं तो माता पिता उन सभी नियम पालन को बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं, लेकिन जब वो खुद से बाहर निकलने लग जाते हैं और उनके कंधों की उनके उनकी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर जब आती है तब वो जो है वो वही कार्य करते हैं जो उनके जीवन में तनाव लाने का ही कार्य करता है। जैसे कि सही समय पर उठना, अगर उनकी आयु है अध्ययन करने की तो वो अध्ययन पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा वो करेंगे कि नहीं कि वो अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन के बहाने वो बहुत ऐसे कार्यों को टालते हैं जिस कार्य से उनके व्यक्तित्व और उनके पुरुषार्थ का निर्माण होता है। तो अध्ययन का हमें कभी भी एक ऐसा शस्त्र नहीं बनाना चाहिए कि जिस कारण से बहुत ऐसे जो बाहरी कार्य हैं जिससे आप अपने व्यक्तित्व का और पुरुषार्थ का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भी जो क्रियाएं होती हैं जो भी हम करते हैं या बाहर निकल गए योग कर लिए प्राणायाम कर लिए व्यायाम कर लिए यह भी हमारे अध्ययन का ही भाग है। तो और इससे हमारे अध्ययन जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए कभी कोई अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करने पड़े हमें करने चाहिए, उसमें हमें कोई किंतु परंतु या कोई हमें बहाना ढूंढना नहीं चाहिए। धन्यवाद। हमारा राष्ट्र हमारी जिम्मेदारी। सभी युवाओं को यह चाहिए कि वह अपना ध्यान रखते हुए अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बने। युवाओं से ही राष्ट्र को दिशा मिलती है, इसलिए युवा को चाहिए कि वह सही मार्ग पर चलें
और खुद को स्वस्थ रखते हुए सही समय पे धनार्जन करें और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। जैसा गुरुजी, मोबाइल फ़ोन आजकल ज़्यादा यूज हो रहे हैं। आजकल के युवा मोबाइल से ही सारा काम करते हैं, तो इस मोबाइल चलाने से हमें जैसे रात में अब 2 बजे सोते हैं, मतलब 1 बजे सोते हैं, और फिर जो उनकी दिनचर्या है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे मानसिक रूप से और स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अगर हम मोबाइल प्रतिदिन चलाएंगे, अगर उसमें गेम खेलेंगे दो दो तीन तीन घंटा, तो उसमें हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और मानसिक रूप से हम कमज़ोर हो जाएंगे, और आँखों आँखों पर भी रोशनी आएगी तो आँख भी ख़राब हो सकती है। धन्यवाद। जैसा कि हमारे बड़े भैया धर्म भैया बताए कि हमारी राष्ट्र हमारी जिम्मेदारी है। हमारे राष्ट्र में गुरुजी जो लोग, जैसे हमारे राष्ट्र में जो लोग भी आते हैं, जैसे जीव जंतु हुए, इंसान मानव, जो भी लोग हैं, आजकल देख रहे हैं गुरुजी, लोग बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से भी कतराने लगे हैं। रास्ते में कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको मदद की आवश्यकता है, फिर भी लोग इग्नोर करते चले जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने से बड़े बुजुर्गों का मदद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बचपन में हम लोग अपनी माँ बाप पर डिपेंड होते हैं, उसी तरह तरीके से जब वो बुजुर्ग होते हैं तो हम लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं। अतः हम लोगों को उनकी एक जिम्मेदारी को समझते हुए उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और जैसा कि बताया भी गया है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु विद्या यशो बलम, तो हमारी आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, और यश भी कीर्ति हो फैलती है, और हमारे बल भी बढ़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि गुरुजी ने अभी अध्ययन पे कहा, तो मैं कहना चाहूँगा जिसे हम जिस भी मतलब फील्ड में है कार्य कर रहे हैं, हमको दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना है। उसका शुरुआत चाहे जो हो, अगर हम दृढ़ संकल्प हैं और अपने मतलब दृढ़ निश्चय है कि हम कर लेंगे, तो हमको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। बस समय का इंतजार करते रहना है। ये न मतलब समय का इंतजार करते रहना ये नहीं है कि हम समय पे छोड़ दें, हमें अपना कार्य करते रहना है निरंतर, हमको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। गुरुजी, मैं आधुनिकता के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी। निश्चित ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पुराने जड़ों को भूलते चले जा रहे हैं। जो अपनापन का भाव हम पहले रखते थे दूसरों के प्रति, अब वह कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। लोग अपने से मतलब रखते हैं कि हम सही हैं तो सब सही है, जो ऐसा जो भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरे को अगर कष्ट हो रहा है तो उसको समझना चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए। ऐसे ही आप अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। बस गुरु, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जैसा कि आज स्वच्छता अभियान के निर्देश के लिए हम लोग जो है मंदिर के आसपास कुछ लिख के चिपका दे रहे हैं, जिससे लोग पढ़ें और मंदिर के आसपास प्लास्टिक या कूड़ा करकट न करें, क्योंकि लोग आते हैं पूजा करके जाते हैं और साथ में जो भी प्लास्टिक होती है मंदिर के आसपास गंगा माता जी के तट पर फेंक के चले जाते हैं। तो इस कार्य को पूरा करके हम लोग करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय हिंद। वंदे मातरम। जय गंगा मैया।